स्वागत है। इंजीनियर्स डे के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में इंजीनियर्स डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच की ओर से गोपालपुरा बाईपास पर जीपी ऑडिटोरियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर्स की परेशानियों पर अपने सुझाव भी दिए। एक बार इसको थोड़ा सा चौका दिखेगी ताकि अपने आज 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे पे सभी राजस्थान के सभी विभागों के कनिष्ठ अभियंता सभी जिलों से यहाँ पधारे हैं और हमने राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच के बैनर तले सभी लोगों ने एक अधिवेशन रखा है। प्रथम हमारा अधिवेशन है। हमारी जो डिमांड है वो लास्ट ईयर शुरू हुई थी सितंबर में। हमारी ये थी कि 3600 पे ग्रेड है वो जो अभी कनिष्ठ अभियंताओं को मिल रहा है वो कम है और उसमें वेतन विसंगति जो छठे पे कमीशन में हुई थी, हम लोग ये चाहते हैं कि 4800 पे ग्रेड देकर उस वेतन विसंगति को दूर किया जाए और सभी कनिष्ठ अभियंता विभाग में जो कार्यरत हैं, राजस्थान सरकार के विकास विभाग के जो रीढ़ की हड्डी हैं, कनिष्ठ अभियंताओं की जो ये वाजिब मांग है उसको छठे वेतन आयोग से जो क्या नाम दुरुस्तीकरण करना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है। आज 15 सितंबर यहाँ पर इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है। मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो कि एक महान इंजीनियर थे, आपका इसी दिन जन्म हुआ था। आपने बहुत महान कार्य किए हैं। आपने बड़े बड़े डैम के निर्माण करवाए, आपने काफ़ी बड़े बड़े डेवलपमेंट करवाए, इसमें आपका सराहनीय योगदान रहा है। उसी अवसर पर पूरे राजस्थान से एक मंच है, राजस्थान इंजीनियर्स एकता मंच, जिसके बैनर के नीचे सभी इंजीनियर्स एकत्रित हुए हैं और हम सब इसको बड़े उत्साह और धूमधाम से मना रहे हैं। तो इसी खबर के साथ